दोस्तों सिकंदरिया का लाइट हाउस फिनार दुनिया के सात कदीम अजायबात आलम में से एक है यह बहिर रूम में तामीर किया जाने वाला पहला लाइट हाउस है जिसे मगरबी दुनिया सिकंदरिया के फारूस फ़िनार के नाम से जानती है एम के टी वी की वीडियोज में एक बार फिर से खुश आमदीद दोस्तों सिकंदरिया का लाइट हाउस बहिर रूम का पहला रोशन मीनार है ये जहाज़ों की रहनुमाई के लिए कायम किया गया था सिकंदरिया लाइट हाउस से जहाज़ों को जहाज रानी के लिए पुरखतर मकाम की तरफ जाने से रोका जाता था ये 280 सौ अस्सी कबल मसीह में कायम किया गया था सिकंदरिया का लाइट हाउस एक सौ तीस मीटर ऊंचा था ये मशरकी बंदरगाह के बाहर कायम किया गया था ताकि सिकंदरिया आने वाले जहाज़ों की रहनुमाई की जा सके चौथी सदी कबल मसीह के आखिर में सिकंदरिया शहर के क्याम से कबल मिसरी बंदरगाहें दरियाए नील की शाहों पर कायम थीं सिकंदरिया का लाइट हाउस बुलंदो बाल और हैकल होने की वजह से 50 किलोमीटर के फासले से नजर आ जाता था इसके बाद ही बहिर रूम में दीगर लाइट हाउस कायम किए गए जिनमें इटली की बंदरगाह पोर्टोस और स्पेन की बंदरगाह लेकोरोनिया के लाइट हाउस तामीर किए गए दोस्तों सिकंदरिया के लाइट हाउस की तमीर बतलिमूस अव्वल के अहद में शुरू की गई थी ये बतलेमूस दोम के अहद इकतदार में मुकम्मल हुआ सिकंदरिया के लाइट हाउस की तमीर का काम यूनानी इंजीनियर सोसराटोस ने अंजाम दिया था बाद मौरखीन का कहना है कि लाइट हाउस को फनार का नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि ये जिस जजीर में तामीर किया गया था उसे फारोज़ कहा जाता था तलफ़्स में तब्दीली की वजह से फनार हो गया इसे कदीम दुनिया के पहले लाइट हाउस होने का एजाज हासिल है सिकंदरिया के लाइट हाउस को कदीम दुनिया के सात अजायबाद में शुमार करने के कई इसबाब हैं पहला सबब तो ये है कि ये 130 मीटर के लगभग ऊंचा था जिस ज़माने में तामीर किया गया था उस वक्त इतनी ऊंची और देव हैकल तामीर कहीं नहीं थी सिकंदरिया का लाइट हाउस तीन हिस्सों में मुनकसम है इसका एक हिस्सा इंतज़ामिया और अस्तबल के लिए ख़ास है दूसरा हिस्सा बालकुनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जबकि तीसरा हिस्सा अस्तवानी शक्ल का है जहाँ रात के वक्त जहाज़ों की रहनुमाई के लिए अलाव जलाया जाता था इलावा अजी बालाई हिस्से में दिन के वक्त रोशनी मनक़द करने वाले आईने नस्ब किए गए थे लाइट हाउस के ऊपर यूनानियों के हाथ समंदर के देवता का मुजस्मा बनाया गया था लाइट हाउस के बारे में मौरखीन और सयाहों ने बहुत सारे किस्से और कहानियां कलम बंद की हैं मशहूर सयाह मसूदी ने इसकी तस्वीरकशी की है उनकी तहरीर के मुताबिक सिकंदरिया का लाइट हाउस तकरीबन दो हाथ ऊंचा था इबन बतूता ने इसके बारे में तहरीर किया है वो मराकिश वापस आते वक्त सिकंदरिया गए थे उस वक्त ये खंडर में तब्दील हो गया था उस पर चढ़ना मुमकिन नहीं था सिकंदर ने सिकंदरिया शहर तीन सौ बत्तीस कबल मसीह में आबाद किया था उसे बहिर रूम की मरकजी बंदरगाह का रुतबा हासिल हो गया था बंदरगाह की बदौलत शहर खूब फला फूला और जल्द ही कदीम दुनिया का अहम शहर बन गया इसने अपनी लाइब्रेरी की वजह से भी दुनिया भर में बड़ा नाम कमाया ये लाइब्रेरी दुनिया के हर इलाके में राइल ूम फ़नून के ख़जाने अपने अंदर समेटे हुए थी दुनिया भर के लोग सैर सियाहत के लिए सिकंदरिया शहर आना चाहते थे इस सिलसिले की सबसे बड़ी रुकावट सिकंदरिया बंदरगाह के करीब गदला पानी और जेरेआप चटानें थीं बतलेमूस अव्वल ने इस पर काबू पाने के लिए मीनार तमीर करने का हुक्म जारी किया था सिकंदरिया का रोशन मीनार चालीस बरस में मुकम्मल हुआ यह दो सौ पचास कबल मसीह में पाया तकमील को पहुँचा सिकंदरिया के मीनार से मुतल अब बहुत सारी मालूम माजी का किस्सा बन चुकी हैं अलबत्त ये सवाल अभी बाकी हैं कि ये मीनार कैसा नज़र आता था इसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा तारीख व जोग्राफिया की किताबों और सयाहत नामों के मुताले से लगाया जा सकता है मीनार कदीम सिकंदरिया की लामत बन गया था उसकी तस्वीर कदीम करेंसी समेत मुख्तफ अशिया और मकामा पर मिलती हैं सिकंदरिया का मीनार कम से कम चार सौ पचास फीट ऊंचा था और उसका ढांचा दियोहैकल और खुश मंजर था ये सिकंदरिया बंदरगाह के केट के, के करीब जजीरा फारूस के मशरक में बनाया गया था मीनार का जीरो हिस्सा चौकोर था जिसमें सरकारी दफातर के साथ साथ अस्तबल भी थे मीनार में कारकुनान और अहले खाना के लिए जीरो मंजिल में तीन सौ कमरे बनाए गए थे दूसरी मंजिल आठ कोनों वाली थी जिसमें बालकनी भी बनाई गई थी जहाँ से सयाह कुदरती मनाजिर का लुत्फ़ उठाते और निशात अंगेज मशरूब पिया करते थे मीनार का बालाई हिस्सा इस्तवानी शक्ल का था मीनार में एक तो फुट की बुलंदी पर हेमा वक्त आँग जलती रहती थी ऊपर वाले हिस्से में समुद्र की देवता बोसीडन का मुजस्मा भी नष्ट किया गया था सिकंदरिया के देव है कल मीनार के अंदर डहलवानी शक्ल का अजीबों करीब जेना बनाया गया था जहाँ से घोड़ों के जरिए मीनार की बालाई मंजिलों तक जरूरत का सामान पहुँचाया जाता था अभी तक ये राह दरिया नहीं हो सका कि मीनार के ऊपर आग जलाने के लिए क्या तरीका कार इस्तेमाल किया जाता था कहा जाता है कि ये आग की रोशनी बड़े बड़े शीशों से मुनक़द होकर पचास किलोमीटर तक फैल जाती थी और समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाया करती थी इसकी रोशनी तेज़ होती जिसकी बदौलत मल्लाह मीलों दूर से अपना रास्ता तलाश कर लेते थे सिकंदरिया का रोशन मीनार रिकॉर्ड मुद्दत तक कायम रहा इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह चालीस मंजिलों पर मुश्तमिल इंतहाई बुलंद मीनार था और इसकी इमारत शिगाफ वाली थी सिकंदरिया के रोशन मीनार ने यूनानी रोमानी और मिस्र के इस्लामी इकतदार में आ जाने के बाद इस्लामी अरब चहनशाइत का जमाना देखा इसकी अहमियत उस वक्त मान पड़ गई जब मिस्र का दारुल हुकूमत सिकंदरिया से काहिरा मुंतकिल हुआ फ्रांस के माहिर क़दीमा जॉन एफ एम्ब्रोर ने उन्नीस सौ चौरानवे में सिकंदरिया बंदरगाह के इलाके में तहकीकती काम के दौरान मीनार के कुछ पत्थर समंदर की तहसे दरियात किए थे सिकंदरिया कदीम दुनिया का अहम शहर रहा है यहाँ मल्ला और ताजर कसर तादाद में आते जाते रहते थे मुतद मरखीन जग्राफिया नवीसों और सयाहों ने अपनी तसानीब में इसका तस्करा किया है सिकंदरिया का लाइट हाउस हा। कई बार जल्दलों से दो तो चार हुआ अलबत्त तेरह सौ तीस ईस्वी के दौरान मिसर में आने वाले मशहूर जल्जले ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया सिकंदरिया के लाइट हाउस हा। की असलाह मरम्मत भी कई बार की गई सिकंदरिया के मीनार की जगह कैदबाती का, का किला तामीर किया गया है मीनार के कुछ पत्थर किले की तमीर में इस्तेमाल हुए जबकि दीगर समंदर का हिस्सा बन गए कदीम बंदरगाह मशरक़ी बंदरगाह और किला क़ैदबाई के अतराफ़ समंदर में गर्क आशार कदीमा की तलाश व जस्तजू की कई कोशिशें की गई माहिर आषार कदीमा ने सिकंदरिया के कदीम लाइट हाउस के बहुत सारे हिस्से दरियाफ़त कर लिए माहन ने मताले के तनाजों में लाइट हाउस का जाम तस्वुर तरतीब दिया इस बात का भी पता लगाया कि इसकी तमीर में कैसे पत्थर इस्तेमाल किए गए थे इसे असर हाजिर के अहम तरीन तारीखी इनकशाफात में शुमार किया जा रहा है तो दोस्तों कैसी लगी आज की शानदार वीडियो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।